बिग बॉस सीजन 13 के घर में सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज, इन दोनों के बीच में पहले दोस्ती और प्यार देखने को मिला, लेकिन जब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ों का सिलसिला शुरू हुआ तो लड़ाई बड़ी ही घातक और खतरनाक हुई। और आपको बता दें कि ऐसे आसान नजर आ रहे थे कि शायद ही घर से बाहर आने के बाद इन दोनों के बीच में कुछ बातें हों, लेकिन आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला उन इंसानों में से बिल्कुल नहीं है। उनके हिसाब से जो बातें बिग बॉस के घर में हो चुकी हैं उन्हें लेकर बाहर आकर क्या लड़ना झगड़ना और उन चीजों को भुलाकर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने बिग बॉस के घर के अंदर आसिम के पापा को लेकर बहुत कुछ कहा था, उनसे लग रहा था कि शायद उनके बारे में बातचीत हो। आपको बता दें कि अब से रमजान का महीना शुरू हो चुका है और कल चांद दिखने पर सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने ट्विटर से ट्वीट करते हुए सभी को चांद मुबारकबाद दी। अब आपको बता दें कि इस पर आसिम रियाज के पिता रियाज अहमद चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपको भी चांद मुबारक हो, ये रमजान का महीना बहुत ही पाक होता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि भूख क्या चीज होती है, यहीं से हमें शैतानी ताकतों से मिलने की शक्ति मिलती है, भगवान की कृपा होती है। सिद्धार्थ शुक्ला ने इसका जवाब देते हुए कहा, थैंक यू अंकल और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। टेक केयर एंड स्टे सेफ। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।